गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 5 में क्या कुछ प्रॉब्लम रह गई है? एक क्वेश्चन था कल, लास्ट वाला वो बाकी रह गया था, तो उसको कर लिया है? नेक्स्ट टॉपिक पे आया जाए अगले चैप्टर पे, क्यों? बोल नहीं रहे को यार, लास्ट क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है? यू हैव डन इट सर, बता दीजिए। कौन बोल रहा है? राखी। मैं जल्दी से पहले लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आता हूँ। ये मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। y इक्वल्स e पावर में a cos इनवर्स x। इसे दोनों मेथड से इनवर्स ये कह सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं और लॉग लेकर भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लॉग से कर दे रहे हैं। log y equals log e power में a cos inverse x, this can be written before the function a cos inverse x with log e, value of log e that is 1, it is log y, so log y equals a cos inverse x. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स इन राइट हैंड साइड ए, वन अपान रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर विद निगेटिव साइन, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया इसे राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स माइनस ए इंटू वाई, माइनस साइन बिकॉज दिस एंड वाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ दिस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इन राइट हैंड साइड ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज इन योर वाट एवर यू हैव टू प्रूव इन विच सेकेंड डेरीवेटिव इज यूज, जो प्रूव करना है उसमें सेकेंड डेरीवेटिव यूज किया गया है, और ये यहाँ पर जो फंक्शन है वो फर्स्ट डेरीवेटिव में है, तो हमको एक बार और डिफरेंशिएशन की जरूरत है। दो फंक्शन होगा यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकंड, एक रखा दूसरे को डिफरेंशिएट किया, तो पावर डिफरेंशिएशन टू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक पावर कम हो गई और इसका डिफरेंशिएशन हो गया सेकंड डेरिवेटिव, फिर इस पार्ट को रखा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट दैट इज जीरो माइनस में टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस टू एक्स इन राइट हैंड साइड ए स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर इज टू वाई
विद डी वाई अपॉन डी एक्स। इस पूरी इक्वेशन में हम चाहें तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में है, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं कॉमन निकाल कर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन कर लिया, हियर टू वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। और एक चीज़ और, टू भी कॉमन कर सकते हैं क्योंकि टू भी हर टर्म में इन्वॉल्व है हमारा। हियर टू कॉमन हो गया तो माइनस एक्स बच गया विद दिस पार्ट, माइनस एक्स और इसके साथ एक एक हम कॉमन कर चुके हैं तो एक डीवाई अपॉन डी एक्स बच जाएगा। इन राइट हैंड साइड ए टू ए स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। दिस टर्म इन बोथ साइड सो वी विल कैंसिल इच अदर एंड टू इज ऑल्सो वाट इज लेफ्ट वन माइनस एक्स स्क्वायर इन लेफ्ट हैंड साइड विद डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स ए स्क्वायर वाई। सो यही हमें प्रूव करना था इसमें, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल जीरो। कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, and one thing more, if there is anything which is causing trouble to you, you can ask to me in regarding this topic. अगर इस टॉपिक में कहीं से कोई प्रॉब्लम हुई हो, पूरे चैप्टर की बात मैं कर रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में या कुछ और। हाँ यस सुब्रा पांडे, यस यस सर। सर वहाँ पे जब सर जब वहाँ पे अगेन डिफ्रेंसिएशन किए हैं ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, सर तो बस एक ही बार डिफ्रेंसिएट किए हैं आप, कहाँ पर ये? नहीं नहीं सर इधर इधर राइट साइड में, यहाँ पर। यस सर, यहाँ पे मैंने दो फंक्शन मान लिया, इसे एक फंक्शन इसे दूसरा फंक्शन, इसे कांस्टेंट रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया, तो अब इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n वाले फॉर्म पे ये हो गया, इसको पावर इसकी एक कम किया और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू मिलेगा। इसे रखा, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन जैसे प्रोडक्ट रूल करते हैं, इसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस में 2x, और राइट हैंड साइड में क्या है ए स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव हो गया 2y, और चूंकि y वेरिएबल है इसलिए डीवाई अपॉन डी एक्स। ओके यस ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से फार्म हो सकता है आसानी से। जो पिछला चैप्टर उसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनने के चांस खाली नहीं है, बहुत कम है, और इसमें चांस है क्योंकि इसमें एक मैक्सिमम इनवा टॉपिक है जिसमें लंबे क्वेश्चन बन जाते हैं आसानी से, तो इसमें 6 मार्क्स और हो सकता है कहीं और से पार्ट कर दे तो 4 मार्क्स, तो 10 मार्क्स आसानी से इससे कवर किए जा सकते हैं इस चैप्टर से। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, जो है क्या टॉपिक में और क्या छूटा है इसमें, जैसे हमारे पास है हमारे पास है रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग,
थर्ड इज अप्रोक्सीमेशन, टेंजेंट नॉर्मल, फोर्थ इज अप्रोक्सीमेशन एंड फिफ्थ इज मैक्सिमा मिनिमा। दीज आर द फाइव टॉपिक्स इन दिस चैप्टर इन विच टू टॉपिक्स दैट इज रिड्यूस्ड फॉर इन द सिलेबस फॉर दिस ईयर। ये दो टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं जिसमें रेट मेजर और अप्रोक्सीमेशन, एंड रिमेनिंग थ्री टॉपिक्स वी हैव टू रीड एंड वी हैव टू गिव एग्जाम फॉर दीज थ्री टॉपिक्स। इन तीन टॉपिक्स के लिए एग्जाम देना है। इन दोनों को अब की साल के लिए उसने हटा दिया है ड्यू टू दिस COVID-19 कंडीशन। तो पहले ये समझा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक दिस चैप्टर। तो क्या लिखा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इट मींस वेयर वी कैन यूज दिस डेरिवेटिव्स टू मेक आवर कंडीशन मोर सुटेबल। हम इन डेरिवेटिव्स को यूज कहाँ पे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर ये यूज होकर हमारे लिए और अधिक कन्वीनियंट बन जाएंगे और अधिक आसान बन जाएंगे, चीज़ों को आसान बना देंगे। तो रेट मेजर हटा दिया है, हम टॉपिक यहाँ से चालू करेंगे। पहला टॉपिक ये होगा, दूसरा ये, और तीसरा ये। दूसरा तीसरा इसलिए क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड टॉपिक हैं, तो इसको पढ़ाने के बाद तुरंत इस पे आ जाऊँगा, तो बीच में इंटरवल नहीं होगा। तो पहले मैं इसको पढ़ाऊंगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो पहली चीज़ है कि टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है। दो व्हाट इज द टेंजेंट, पहले समझ लिया जाए फिर डिफिनेशन देता हूँ। दो कोई भी कर्व है, सपोज कर्व पे अगर हम कोई पॉइंट एज्यूम कर लें और उस पर उसको टच करते हुए एक लाइन ड्रा कर दें तो इट विल रिप्रेजेंट एज ए टेंजेंट। कहीं पर भी कोई पॉइंट हो उसको टच करते हुए एक लाइन निकल जाए और वो और कहीं कर्व को टच ना क्रॉस ना करे, तो ये जैसे इस पॉइंट की टेंजेंट हो गई, ये इस पॉइंट की टेंजेंट हो गई सपोज। और जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन होगी दैट विल रिप्रेजेंट एज ए नॉर्मल। ये नॉर्मल हो जाएगी। तो अब बात आती है कि टेंजेंट और नॉर्मल, टेंजेंट को हम कैसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। देखो अगर कोई भी कर्व लिखा हुआ है, कोई भी कर्व एफ एक्स में लिखने का मतलब मैंने कोई कर्व यहाँ पे बताया नहीं, इट इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी कर्व, ये सब कर्व के लिए वैलिड है। तो अगर किसी कर्व को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं सपोज, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उस कर्व का दैट विल रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द कर्व। जैसे मान लेते हैं कोई कर्व है y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, कोई कर्व है हमारा, इसे मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया सपोज, तो ये मिल जाएगा 2x प्लस टू। ये क्या हो जाएगा, ये उस जो भी कर्व है उस कर्व का नॉर्मल, उस कर्व का जनरल स्लोप हो जाएगा, जनरल स्लोप ऑफ कर्व। किस कर्व का, इस कर्व का। अब ये जनरल वर्ड मीन्स क्या होता है, जनरल वर्ड मीन्स हो गया कि जैसे मान लेते हैं कोई भी ये कर्व है तो ये उस कर्व के हर पॉइंट के लिए स्लोप हो गया। अब पॉइंट मुझे पता होगा तो पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, और उस पॉइंट का स्लोप मुझे निकल आएगा। मतलब अगर हम किसी कर्व को डिफ्रेंशिएट कर दें तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो हमारा उस कर्व का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, और वो स्लोप हमारा पर्टिकुलर स्लोप नहीं होगा, वो जनरल स्लोप होगा। और हमको पता, अगर पता है कि कर्व किस किस पॉइंट से पास होता जा रहा है, उस पॉइंट से हम उसको सेटिस्फाई करा दें फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो उस पॉइंट का स्लोप निकल जाएगा।
अब जो क्लास इलेवेंथ में हम पढ़ चुके हैं, हमने स्लोप को एम से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं डेरिवेटिव टर्म में कि डी डी वाई अपॉन डी एक्स है। और स्लोप की डिफिनेशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखी है, व्हाट इज द स्लोप, स्लोप स्लोप ऑफ एनी लाइन इज इंक्लिनेशन टुवर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना भी एंगल कोई भी लाइन फॉर्म करती है वो उसका स्लोप होता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन टैन थीटा। तो हमारे पास स्लोप की तीन कंडीशन आ गई, एम अगर कहीं डायरेक्ट स्लोप दिया है तो एम यूज कर लेंगे, अगर कर्व दिया है और पॉइंट दिया है तो सेटिस्फाई करा कर उसका स्लोप निकाल सकते हैं, और कहीं पे एंगल दिया है तो टैन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन, ये लाइन के स्लोप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर इस लाइन के ये मान लेते हैं एक्स वन वाई वन पॉइंट से सेटिस्फाई जा रही है, इसको सेटिस्फाई करा दिया तो उस पॉइंट का स्लोप निकल आएगा। तो ये तो स्लोप हो गई, हमने इक्वेशन पढ़ रखी थी, एक बार पहले थोड़ा डिफिनेशन लिख देता हूँ, इतना तो बात हो गई। व्हाट इज द टेंजेंट, टेंजेंट इज द लाइन दैट टचेस द कर्व ऑन ए सिंगल पॉइंट, ए लाइन दैट टचेस द कर्व एट सिंगल पॉइंट, नॉर्मल ए लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इज नोन एज नॉर्मल। ये नॉर्मल बोली जाती है। अब ये तो डेफिनेशन हो गई, क्लास 11 में हमने पढ़ रखा था कि मान लेते हैं ए लाइन दैट पासेस थ्रू पॉइंट एक्स वन एंड वाई वन एंड एक्स टू एंड वाई टू, तो इसका इक्वेशन क्या निकालते थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती थी, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब लाइन मीन्स हो गया यहाँ पे टेंजेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होती थी यहाँ पर, ये होती थी y माइनस वाई वन इक्वल्स वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन व्हेन द टू पॉइंट्स आर नोन ऑन द कर्व। अगर कर्व पे दो पॉइंट पता हो तो हम उसकी इक्वेशन या ये बोलते थे, और इसी के इसे हम इस पार्ट को m बोला जाता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इट इज m दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन। यहां पर क्या हो गया y माइनस y1 इक्वल्स m x माइनस x1। अब ये किस टर्म में है, ये m के टर्म में हमारी लाइन की इक्वेशन है, और मैंने बताया कि m को हम क्या लिख सकते हैं, m को dy वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, और मान लेते हैं एक्स वन वाई वन पॉइंट पे से पास कर रही है तो एक्स वन वाई वन पॉइंट से सेटिस्फाई होता हुआ, तो यहां पर m को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, y माइनस वाई वन डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स वन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई।
अगेन अब इस टेंजेंट की कंडीशन कई कई हो सकती हैं, जैसे मैं पर्टिकुलरली हम दो कंडीशन तो डिस्कस कर ही सकते हैं। पहली कंडीशन, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर हमारी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या है, हमको पता है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन ये है, ये सपोज ये एक्स एक्सिस है, अब ये पैरेलल होगी तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप मींस एक्स एक्सिस के पास्ट डायरेक्शन से मेजर किया जाता था, तो स्लोप यहाँ पे क्या दिखेगा मुझे, ये जीरो दिखेगा, बिकॉज इफ द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन द एंगल बिटवीन द लाइंस विल बी जीरो। तो यहां पर क्या होगा, इट मींस एम इज जीरो हियर, एम जीरो मींस टेन थीटा इक्वल जीरो, तो ये वैल्यू जीरो हो गई। और ये अगर इस इक्वेशन में हम जीरो वैल्यू प्लेस कर देंगे, या फिर इसी को हम डीवाई अपॉन डीएक्स बोलते हैं जीरो, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस वाई वन इक्वल जीरो आर y इक्वल्स वाई वन। पहली कंडीशन। और अगर मान लेते हैं ये टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस हो, देन tan थीटा इक्वल्स tan 90 इनफाइनाइट। अब ये किसकी वैल्यू है, dy अपॉन dx की वैल्यू हो गई इनफाइनाइट। तो अगर हम यहां पर 1 अपॉन dy अपॉन dx कर लें, इधर भी रेशनल फॉर्म में लिख दिया, इधर भी रेशनल फॉर्म में लिख दिया, तो वन अपॉन डी नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके डीवाई अपॉन डीएक्स इनफाइनाइट होगा, देखो वन अपॉन डीवाई अपॉन डीएक्स मैंने कर लिया, अब ये वैल्यू क्या होगी, यहां पर भी वन अपॉन इनफाइनाइट, वन अपॉन इनफाइनाइट को जीरो बोलते हैं, और वन अपॉन डीवाई अपॉन डीएक्स क्या हो जाएगा, डीएक्स अपॉन डीवाई, डीएक्स अपॉन डीवाई की वैल्यू जीरो बन जाएगी। कब कंडीशन में, अगर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो डीएक्स अपॉन डीवाई जीरो, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो डीएक्स अपॉन डीवाई इक्वल जीरो। और इस कंडीशन में इक्वेशन क्या जनरेट होगी, इक्वेशन होती क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होती है वाई माइनस वाई वन डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। अब देखो अगर इसे मैं यहां पे लेके चलाऊं तो वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगी, ऐसा लिख सकते हैं इसे, और ये हो गया डी एक्स अपान डी वाई। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू निकाला है जीरो है, तो अगर हम इस टर्म में जीरो मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ जीरो हो गया, देयर फोर एक्स माइनस एक्स वन इक्वल जीरो और x इक्वल एक्स वन। तो अगर सेकेंड कंडीशन, अगर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगा तो इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल एक्स वन आ जाएगी, मतलब जो उसका कोऑर्डिनेट देखना उसी को
एक्स कोऑर्डिनेट को जो होगा उसको एक्स से कंपेयर कर देना, वो इक्वेशन बन जाएगी। वाई का कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे वैल्यू वाई की दी होगी उसके इक्वल रखोगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल कंडीशन, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो आ जाएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो ये कंडीशन आ जाएगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई के टर्म इक्वेशन आएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स के टर्म इक्वेशन आएगी। अब बात आती है नॉर्मल की। टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। हमें पता है कि टेंजेंट नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर हम मुझे पता है और ये भी पता है कि इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इच अदर देन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर स्लोप्स आर इक्वल्स टू माइनस वन। If two lines are perpendicular to each other, then m1 into m2 equals minus 1. Slope of first line slope of second line मतलब दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा माइनस वन आएगा। और अगर मान लेते हैं ये हमारे टेंजेंट का स्लोप है ये नॉर्मल का स्लोप है, तो अगर हम एम वन को टेंजेंट का स्लोप मान रहे हैं सपोज, लेट एम वन इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड एम टू इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अभी मैंने देखा है कि हम टेंजेंट के स्लोप को dy अपॉन dx लिख सकते हैं, कर्व का डिफरेंशिएशन नॉर्मल जो जनरल डिफरेंशिएशन होगा वो उसका स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दूं, मुझे क्या चाहिए, मैं नॉर्मल का स्लोप चाहिए, सो dy अपॉन dx विद m2 इक्वल्स हो गया माइनस वन। m2 can be written as minus 1 upon dy upon dx slope of normal equation of normal at point x1 या normal की equation क्या होगी, point छोड़ दो, क्या लिखेंगे m के term में मुझे लिखना है, suppose y minus y1 m और m की जहाँ ये नॉर्मल का स्लोप है तो m2 हो गया और x माइनस एक्स वन और m2 की वैल्यू क्या रही है ये, तो y माइनस वाई वन इक्वल्स माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। तो मुझे लगता है कुछ पता चल गया होगा, क्या क्या पढ़ा कि कोई भी कर्व दिया है उसको डिफरेंशिएट कर लोगे तो उसका स्लोप आ जाएगा, वो कर्व का स्लोप आएगा और पूरे कर्व के हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर पॉइंट सेटिस्फाई कराते हो तो उस पॉइंट का स्लोप आएगा और इसी स्लोप को हम टेंजेंट का स्लोप भी बोलेंगे।
टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल्स डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, और अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा इक्वेशन उसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई इक्वल्स वाई वन, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्स इक्वल्स एक्स वन हो जाएगी। नॉर्मल की इक्वेशन, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर हैं इसलिए उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन माइनस वन होगा, और टेंजेंट के स्लोप से हम नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं, तो नॉर्मल का स्लोप ये हो गया। और इक्वेशन में वैल्यू प्लेस कर दी तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई माइनस वाई वन माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, दिस इज द स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाएं, इसके एक्सरसाइज है 6.3। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं बहुत, अगर ढंग से पढ़ी रहेगी तो समझ ये एनसीईआरटी तुम्हारी अच्छी तैयार रहेगी तो क्वेश्चन फंसेगा नहीं। जैसे इसने पूछा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड सब एक जैसे एक ही तरह से हैं लगभग, एक्स की वैल्यू दी हुई है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस, वाई इक्वल लिखा हुआ है 3x की पावर 4 माइनस 4x एट एक्स इक्वल्स 4। तो चाहे तो यहाँ 4 रखकर हम पॉइंट निकाल सकते हैं वाई वाला, लेकिन जरूरत हमको है नहीं, हमको क्या है, हमको स्लोप निकालना है टेंजेंट का, ये कोई कर्व दिया है तुमको, हम इस कर्व को अगर डिफ्रेंशिएट कर लें, तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 3 12 एक्स क्यूब माइनस 4, ये क्या हो गया, ये स्लोप ऑफ कर्व हो गया, ये पूरे कर्व का स्लोप है, जनरल स्लोप। और उसने किस पे पूछा है, इस पॉइंट पे स्लोप पूछा है, तो डी वाई अपान डी एक्स एट एक्स इक्वल्स 4, यहाँ पे 4 रख दिया तो 12 इंटू 4 क्यूब इंटू 4, सपोज इस टर्म में कहीं पर y होता, बहरहाल होगा नहीं, तो हम वहाँ पर यहाँ पे वैल्यू y की निकाल कर उसको भी प्लेस कर देते, तो अब यहाँ पर 12 हो गया, इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना है, बहत्तर, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी एकदम ऐसे ही है, खाली वहां पे कोऑर्डिनेट लिख दिया है, x कोऑर्डिनेट इज 2 मींस x इक्वल 2 x इक्वल 3 फॉर 4। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा फंक्शन अपॉन फंक्शन है देख लेते हैं, इसके बाद दो जो है थर्ड और फोर्थ यू विल डू बाय योरसेल्फ। x की वैल्यू 2 रखनी है क्वेश्चन नंबर 3 में और x की वैल्यू 3 रखनी है क्वेश्चन नंबर 4 में आफ्टर डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल्स x माइनस 1 अपान x माइनस 2 और एट x इक्वल्स 10, इट इज गिवन दैट x कैन नॉट बी 2, x 2 नहीं हो सकता है, 2 रखने पर y अनडिफाइंड बन जाएगा, तो फंक्शन बनने रहने के लिए 2 हटा दिया उसने, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन अपॉन फंक्शन डिनोमिनेटर की स्क्वायर, डिनोमिनेटर प्लेस किया, न्यूमिनेटर डिफरेंशिएट किया, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 एक्स माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन फिर 1 माइनस 0 दैट इज 1 आल्सो, तो x माइनस 2 माइनस x प्लस 1
दिस एंड दिस कैंसिल इच अदर, माइनस वन अपान एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, और ये हो गया पूरे कर्व का डिफेंस स्लोप, और मुझे 10 पॉइंट पे निकालना है। तो इट इज वन अपान माइनस वन अपान 64। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, इसमें से एक पार्ट कोई, चलो 5 ही कर दे रहे हैं। 5 स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है और कर्व दिए हैं, ये पैरामेट्रिक क्वेश्चन है। x इक्वल्स a cos क्यूब थीटा और दूसरा है y इक्वल्स a sin क्यूब थीटा। चलो तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया, अगर नहीं पूरा हो पाएगा तो देख लो क्या है प्रोसेस। एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में, वाई को थीटा के रिस्पेक्ट में, तो और बाय चैन रूल हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स को पाई बाय 4 से सेटिस्फाई करा देंगे, इसमें दिया हुआ है थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 है, तो मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। एक्स और वाई पता है, तो वाई माइनस वाई वन इक्वल्स डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, ये एक्स वन का काम करेगा, दूसरा वाला वाई वन का काम करेगा। डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डी एक्स वाई डी थीटा, ए थ्री कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, पावर देन फंक्शन, सेकेंड इज वाई एंड इट इज गिवन एज वाई इक्वल्स ए साइन क्यूब थीटा। डी वाई अपान डी थीटा इक्वल्स ए थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। सो एज वी नो दैट डी वाई अपान डी एक्स कैन बी रिटन एज डी वाई अपान डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, जैसे पैरामेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते थे। डी वाई अपॉन डी थीटा इज दिस वैल्यू, इट इज 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स है, तो और ये डी एक्स बाई डी थीटा, इसी को कन्वर्ट करके लिख देना है, तो माइनस 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया माइनस टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा। अब क्या करना है इसकी, ये तो जनरल डेरिवेटिव हो गया, थीटा इक्वल्स पाई बाई 4 पर ये वैल्यू निकाल लेनी है। ये नीचे लिखा हुआ है, इक्वल्स यहाँ लगा है, माइनस टेन थीटा की जहाँ रख दिया पाई बाई 4, ये माइनस वन, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हो गई, ये स्लोप की वैल्यू हो गई। यहाँ से अलग एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो।